स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको नई अपडेट देने वाला हूँ। यूके गवर्नमेंट ने जो वीजास के ऊपर, जो डिपेंडेंट वीजास के ऊपर लेके आया है और स्किल्ड वर्कर वीजास के ऊपर लेके आया है, क्योंकि जैसे आप पिछले दिनों में जान रहे हैं कि काफी दिनों से यूके गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है और वो खुद जो भी चेंजेस ला रही है उस पे स्थायी नहीं है। वो अलग अलग नए नए अपडेट हर रोज हर हफ्ते लेके आ रहे हैं और इसके कारण ही मुझे आपके लिए डिपेंडेंट वीजा और स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर हर हफ्ते वीडियो लेके आना पड़ रहा है। और नए नए अपडेट्स आने के कारण नई नई चीजें, नए नए कन्फ्यूजन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ये लोग क्लियर करते जा रहे हैं और कुछ चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि यह चेंजेस जो आने वाले हैं डिपेंडेंट्स के ऊपर, वो क्या आपके डिपेंडेंट वीजा को अफेक्ट कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज का जो यह वीडियो होगा उसमें अगर आप फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और या तो आप केयरर है और यूके में रह रहे हैं या तो आने वाले दिनों में यूके में आना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें आज के इस वीडियो से समझ में आने वाली है और काफी सारे कन्फ्यूजन्स जो आपके होते हैं वो दूर होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्स से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो अभी जो अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप वो अपने स्क्रीन पर भी देख सकेंगे और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उसे जाकर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको हिंदी नहीं आती है। तो यह जो अपडेट है 21 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपने वेबसाइट पर अपडेट किया था। जैसा कि इन्होंने 5 पॉइंट्स के ऊपर सिस्टम बनाया था नया इमिग्रेशन, तो उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम उन चीजों में आज डिटेल में नहीं जाएंगे। आज जो नए चेंजेस, नए क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो अपने वीजा के ऊपर लाया है, स्पेशली डिपेंडेंट वीजा और केयरर वीजा के ऊपर, उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि वी विल रेज द मिनिमम इनकम फॉर फैमिली वीजा इंक्रीमेंटली इन स्टेजेस टू गिव प्रेडिक्टेबल to families. In spring 2024, we will raise the threshold to 29,000, that is the 25th percentile of earning for jobs at the skill level, moving to the 48th percentile, currently 34,500, and finally the 58th percentile, currently 38,700, and the level at which the general skilled workers threshold is set. So, इन्होंने बताया कि जो लोग family visas के लिए apply करना चाहते हैं, उनके लिए जो salary threshold था 38,700, अगर आपकी उतनी सैलरी है तो ही आप फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सैलरी थ्रेशोल्ड अभी उन्होंने कम कर दिया है। अभी स्प्रिंग 2024 से जो सैलरी थ्रेशोल्ड होगा फैमिली वीजा लाने के लिए वो रहेगा 29,000। अगर आप कंफ्यूज है कि फैमिली वीजा किसके लिए है, तो आपको बता दूं कि फैमिली वीजा उन लोगों के लिए है जो यूके में परमानेंट रेसिडेंट है या तो सिटीजन है और वो अपने डिपेंडेंट्स को, चाहे उनके वाइफ हो या उनके बच्चे हो, उन्हें यूके में लेके आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रूल लागू है। बाकी जो स्किल्ड वर्कर्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं, केयर वर्कर्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं या तो स्टूडेंट वर्कर्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो ये रूल्स है, जो कि 29,000 की सैलरी थ्रेशोल्ड स्प्रिंग 2024 से लागू होने वाली है, वो बाकी डिपेंडेंट्स के लिए नहीं है। ये सैलरी थ्रेशोल्ड सिर्फ और सिर्फ फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करने वालों के लिए ही है, और मैंने फैमिली वीजा में क्या क्या आता है वो भी आपको बताया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, वी विल ऑल्सो आस्क द मैक टू रिव्यू द graduate route. Until the immigration rules are amended, the current thresholds and policies remain in place. Full details of transitional provisions will be set out next year when further policy details will be announced. However, in order to provide further clarity for those currently in the UK on route that will be subject to change, we would like to confirm the following. तो जो graduate route है, जैसा कि आपको बता हुआ कि PSW specially, उसके ऊपर भी ये लोग changes लाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर इनका सोच विचार चल रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा January 2024 से जो dependents के ऊपर changes आने वाले थे उसके ऊपर कोई changes नहीं है, वो changes लागू ही रहने वाले हैं। और जो PSW के बारे में सोच रहा है कि PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपने अगर अभी अप्लाई किया है तो आपको डेफिनेटली PSW मिलेगा। अगर PSW के ऊपर कोई अपडेट्स आते हैं तो ये लोग अपने वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, और जब से वो PSW का नया अपडेट ये लोग रिलीज करेंगे उस समय से ही लोगों को PSW नहीं मिलेगा। क्योंकि यूके जब भी कोई नया रूल आता है तो उसमें क्या होता है कि जब नया रूल आ जाता है उस समय से जो लोग नया एप्लीकेशन करते हैं तब से ही रूल्स लागू होते हैं। जो लोग पुराने एप्लीकेशन के अंडर है, जो लोग ऑलरेडी यूके में रहते हैं, उनके ऊपर नए रूल्स लागू नहीं होते हैं।
ऐसा यूके गवर्नमेंट का हमेशा जो रूल्स लाते हैं उसमें होता है। और जो नंबर थर्ड है, केयरर्स एंड सीनियर केयरर्स, दिस चेंजेस विल बी इंट्रोड्यूस एज सून एज पॉसिबल इन न्यू ईयर। जैसे कि हमने पहले देखा था जब इन्होंने 5 पॉइंट्स रिलीज किए थे 4 दिसंबर को, तो उसमें उन्होंने कहा था डायरेक्टली कि स्प्रिंग 2024 में ये नए चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जो केयरर और सीनियर केयरर्स है उनके जो वीजा के ऊपर, स्पेशली डिपेंडेंट वीजा के ऊपर जो चेंजेस आने वाले हैं, वो बोल रहा है कि वी विल इंट्रोड्यूस दैट चेंजेस एज सून एज पॉसिबल इन द न्यू ईयर। तो नए साल में हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में आपको ये चेंजेस देखने मिले। केयर वीजा के रिलेटेड उन्होंने कहा है कि केयर वर्कर्स एसओसी कोड, एसओसी मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड 6145 एंड सीनियर केयर वर्कर्स एसओसी कोड 6146 ऑलरेडी इन द रूट विल बी एबल टू रिमेन विद देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग चेंजिंग एम्प्लॉयर विद इन दिस एसओसी कोड्स एंड सेटलमेंट। अगर आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड है 6145 या तो आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड है 6146 और आप ऑलरेडी यूके में है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ यूके में रह सकते हैं। जो नए चेंजेस आने वाले हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड, इन्होंने कहा वेयर अ केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर इज इन द रूट बिफोर द इमिग्रेशन रूल्स चेंज बट हैज नॉट इट ब्रॉट डिपेंडेंट्स, दे विल बी अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन दिस वीजा। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है केयर वर्कर से रिलेटेड, अगर आप केयर वर्कर वीजा पे आए हैं यूके में और आपके डिपेंडेंट्स अभी भी इंडिया में है और आप अगर अपने डिपेंडेंट्स के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, तो अभी भी भले ये न्यू रूल्स क्यों ना आ जाए, अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में लेके आ सकते हैं। आपको यह नया रूल किसी भी तरीके से आपके डिपेंडेंट को यूके में लाने के लिए अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज है केयरर्स के लिए, जो लोग चिंतित है कि हम यूके में है लेकिन हमारे डिपेंडेंट्स इंडिया में है। अगर आप यूके में है, आपके पास वीजा आ गया है, तो आप डेफिनेटली अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकते हैं भले ही ये नए चेंजेस आ जाए। इससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल who are in the UK on any other route including where that route permits dependents who switch into the care visas as a care worker or senior care workers after this date will not be able to stay with or bring over dependents। अगर आप किसी वीजा से केयर वर्कर वीजा में आ रहे हैं जब ये नए चेंजेस आ जाते हैं, मतलब आप नई एप्लीकेशन करते हैं केयर वर्कर वीजा के लिए, तो आप अपने डिपेंडेंट को, आप अपने स्पाउस को, भले ही वो आपके साथ में यूके में है या तो इंडिया से यूके आने वाला है, तो आप अपने उसको, अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते अगर आप अपने वीजा को नए चेंजेस आने के बाद स्विच कर रहे हैं तो। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट वीजा से केयर वर्कर वीजा में आना चाहेंगे नए चेंजेस आने के बाद, तो आपको नई एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो नए रूल्स आपके ऊपर अप्लाई हो गए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा, केयर प्रोवाइडर्स हु आर स्पॉन्सरिंग वर्कर्स इन एक्सक्लूसिवली नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज एंड देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द सीक्यूसी बिफोर द रूल चेंज शुड बी एबल टू कंटिन्यू टू स्पॉन्सर दिस वर्कर्स इंक्लूडिंग फॉर एक्सटेंशन टू देयर वीजा ऑन दोज टर्म्स बट नॉट हायर रिन्यूअल्स। और इन्होंने कहा है कि जैसे आपने मेरे 5 पॉइंट सिस्टम वाला वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको पता होगा कि अभी अगर किसी केयर कंपनी को स्पॉन्सर लेटर देना है तो वो सीक्यूसी से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था। तो अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, केयर वर्कर वीजा पे आप आए हैं और आपका जो कंपनी है जिसने आपको स्पॉन्सर लेटर दिया है वो सीक्यूसी से रेगुलेटेड नहीं है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब ये लोग आपका वीजा एक्सटेंड करेंगे उस समय ये लोग आपका वीजा एक्सटेंड करने में सक्षम है, क्योंकि तब इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये लोग नए कैंडिडेट्स को इंडिया से या तो किसी भी देश से यूके में लाना चाहते हैं, उसी समय इन लोगों को सीक्यूसी से रेगुलेटेड होना अनिवार्य रहेगा। तब अगर आपका केयर होम सीक्यूसी से रेगुलेटेड नहीं है, तो आपको इंडिया से या किसी भी देश से यूके में नहीं ला सकेगा। और सैलरी थ्रेशोल्ड, दिस चेंजेस विल इंट्रोड्यूस बाय इमिग्रेशन रूल्स विद इंप्लीमेंटेशन इन अप्रैल। दोस ऑलरेडी इन स्किल्ड वर्कर रूट बिफोर इमिग्रेशन रूल चेंजेस शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द न्यू मीडियन सैलरी लेवल्स व्हेन दे चेंज स्पॉन्सर एक्सटेंड और सेटल। वी वुड हाउएवर एक्सपेक्ट देयर पे प्रोग्रेस एट द सेम रेट एज रेसिडेंट वर्कर्स, देयरफॉर दे वुड बी सब्जेक्ट टू अपडेट 25th परसेंटाइल यूजिंग द लेटेस्ट पे डेटा व्हेन दे नेक्स्ट मेक एन एप्लीकेशन टू चेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड देयर स्टे और सेटल। दिस इज लाइन विद नॉर्मल प्रैक्टिस। तो सैलरी थ्रेशोल्ड की जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा में आना है तो आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो रहेगा 38,700। अगर आपको वो सैलरी थ्रेशोल्ड आप मैच नहीं करते तो आपको यूके में जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आप ऑलरेडी यूके में हैं और आप जब अपना वीजा एक्सटेंड करेंगे या तो आप अपना जॉब स्विच करेंगे, तो उस समय ये सैलरी थ्रेशोल्ड आपको अफेक्ट नहीं
नहीं करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर है ये लोग और भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट वी विल कमीशन द मैक इन जनवरी। द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट SOL विल बी रिनेम्ड द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट एंड द मैक विल एडवाइज ऑन विच ऑफ द करंट SOL ऑक्यूपेशन शुड रिमेन ऑन द लिस्ट इन लाइन विथ न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका नाम चेंज करके इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट रखा जाएगा और मैक बताएंगे कि कौन से ऑक्यूपेशन ही इस इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि अगर आपने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट देखा होगा तो उसमें काफी सारे ऑक्यूपेशन है और इन सारे ऑक्यूपेशन को मैक कहती है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो जनवरी में चेंज होने वाली है। तो यही सारे अपडेट UK गवर्नमेंट की तरफ से 21 दिसंबर को जारी किए गए थे। तो ये जो मेनली अपडेट्स थे वो केयर वर्कर्स के लिए थे, क्योंकि केयर वर्कर्स ही सबसे ज्यादा चिंतित है इस नए चेंजेस के कारण। लेकिन इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आने वाले दिनों में। आशा करता हूँ कि आज के जो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।